हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू textbook.com। आई एम शिप्रा चौहान। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट का। काफ़ी कंफ्यूजन है बच्चों को इस क्वेश्चन में कि कैसे नेबर नहीं है फिर भी बीच में बैठे हैं। मतलब एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुए हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी क्वेश्चन डाउट रहता है, तो मैं ये क्वेश्चन आपको लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन की हेल्प से आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर करूँगी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला है, ज्योति, विपुल, दिशा, रमकी, लेल्सटन, आभा, किरण एंड अंजलि आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। मतलब ये 8 पर्सन हैं, एक सर्कुलर के टेबल के अराउंड बैठे हैं और बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। चलिए बना लेते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्कल बनाऊँगी। एक सर्कल के अराउंड 8 पर्सन्स बैठे हैं, ठीक है, और सभी लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमको क्वेश्चन में बोला है, अंजलि डज नॉट सिट एडजेसेंट टू रमकी। अंजलि जो है रमकी के साथ नहीं बैठी है। ये मैंने गलत रॉन्ग क्रॉस कर दिया कि एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है। फिर बोला है, दिशा सिट्स 2 प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ रमकी। मतलब दिशा जो है रमकी के सेकेंड राइट में बैठी है। रमकी हमारी यहाँ पर है, ठीक है, सेकेंड राइट में दिशा है, मतलब दिशा हमारी यहाँ आ जाएगी सेकेंड राइट। अब यहाँ पे देखिए, 2 प्लेसेस अवे लिखा है। 2 प्लेसेस अवे मतलब 1 प्लेस अवे यहाँ पर, 2 प्लेस अवे यहाँ पर। यहाँ पर अब ये मत कीजिएगा कि 1 2 दिशा यहाँ पर, तो वो 3 प्लेसेस अवे हो जाएगा। आप खुद काउंट कीजिए, 1 प्लेस अवे, 2 प्लेस अवे, 3 प्लेस अवे हो जाता है, ठीक है। 2 प्लेस अवे दिया है तो 1 प्लेस अवे, 2 प्लेस अवे, मतलब बीच में सिर्फ एक ही पर्सन आएगा, ठीक है। फिर बोला है, विपुल डज नॉट सिट एडजेसेंट टू रमकी। विपुल जो है रमकी के एडजेसेंट नहीं बैठेगा, तो मतलब विपुल यहाँ नहीं आएगा हमारा, ठीक है, और यहाँ नहीं आएगा। मतलब ये दो जगह पे, यहाँ पर और यहाँ पर विपुल नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं अंदर में लिख लेती हूँ। आप यहाँ पर लिख लीजिए कि रमकी के साथ विपुल नहीं आएगा, ठीक है, एक साथ नहीं बैठेंगे। उसके बाद बोला है, रेलस्टन सिट एग्जैक्टली बिटवीन विपुल एंड किरण। विपुल और किरण के एग्जैक्टली बीच में रेलस्टन बैठा है, तो विपुल, रेलस्टन एंड किरण, ठीक है, एकदम बीच में बैठा है। अब विपुल इधर, किरण इधर, और विपुल इधर, किरण इधर हो सकता है, इसलिए मैंने ये एरो लगा दिया कि हमें डेफिनेट नहीं पता है कौन किधर बैठेगा, ठीक है। अभी ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, विपुल भी नहीं पता कहाँ बैठा है, किरण भी नहीं पता हमें टेबल के अराउंड कहाँ बैठा है, तो इसको मैं साइड में लिख रही हूँ, ठीक है। फिर बोला है, विपुल सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन रमकी एंड दिशा। विपुल जो है रमकी और दिशा के एग्जैक्टली बीच में बैठता है, तो रमकी यहाँ बैठी है, दिशा यहाँ बैठी है, तो एग्जैक्टली बिटवीन एक प्लेस तो यहाँ पर आएगी, लेकिन हमको पता है कि विपुल यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि रमकी और विपुल एक साथ नहीं बैठे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो विपुल है वो यहाँ पर बैठेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब ये नहीं होता कि नेबर में हूँ। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो इक्वली हों तीनों के बीच में, ठीक है। तो दिशा से एक काउंट करेंगे, 1 1 2 3, यहाँ पे विपुल आया, 1 2 3, यहाँ पर विपुल आ गया, ठीक है। देखो, दिशा और विपुल के बीच में 2 लोग हैं, विपुल और रमकी के बीच में 2 लोग हैं। हमको यही बोला था क्वेश्चन में कि विपुल जो है एग्जैक्टली बिटवीन रमकी एंड दिशा बैठा है, मतलब रमकी और दिशा के एकदम बीच में बैठा है, तो विपुल हमारा जो है एकदम बीच में यहाँ बैठ गया। दिशा से 1 2 पर्सन विपुल, रमकी से 1 2 पर्सन विपुल, ठीक है। विपुल यहाँ भी बैठ सकता था, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन दी थी कि विपुल और रमकी साथ नहीं बैठेंगे, इसलिए विपुल यहाँ पर बैठा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर इंफॉर्मेशन हमको दी है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन रमकी एंड आभा। रमकी और आभा के बीच में सिर्फ 1 पर्सन बैठेगा, तो रमकी इस साइड तो आभा आ नहीं सकती क्योंकि दिशा बैठी है, तो आभा हमारी जो है इधर साइड आ जाएगी, ठीक है। तो रमकी एक छोड़ के आभा। उसके बाद बोला है, रालस्टन सिट्स अपोजिट टू अंजलि। रालस्टन जो है अंजलि के अपोजिट में बैठेगा, ठीक है, तो रालस्टन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अपोजिट में अंजलि बैठेगी, ठीक है। अब हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन रह गई है कि विपुल, रालस्टन, किरण, ठीक है, विपुल यहाँ पर है, तो अब किरण
और विपुल के बीच में रालस्टन है, तो विपुल यहाँ पे, किरण यहाँ पे, रालस्टन एक केस हो सकता है, यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि विपुल एक छोड़ के रालस्टन, अगर यहाँ पे किरण आ जाएगा तो रालस्टन यहाँ पर नहीं आ पाएगी, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और हमको बोला है कि अंजलि एंड रमकी जो है एक साथ नहीं बैठेंगे, मतलब अंजलि यहाँ नहीं आएगी, तो अंजलि हमारी यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, दो केस हैं। अंजलि के अपोजिट में रालस्टन बैठा है तो अंजलि यहाँ नहीं आएगी, तो हमारी जो अंजलि है वो यहाँ आएगी। समझिएगा कि अंजलि जो है रमकी के साथ नहीं बैठती, तो यहाँ पर और यहाँ पर अंजलि नहीं आएगी, दो प्लेसेस बचे अब, तो या तो अंजलि यहाँ आएगी या यहाँ आएगी। फिर हमको दिया था कि अंजलि के अपोजिट में रालस्टन बैठा है, तो अंजलि हमारी यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि अपोजिट में रमकी बैठी है, तो अंजलि हमारी यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब अंजलि के अपोजिट में कौन बैठा है, रालस्टन बैठा है, तो रालस्टन हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अंजलि के अपोजिट रालस्टन आ गया, तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फुलफिल हो गई। अब जो है बोला था कि विपुल और किरण के बीच में रालस्टन बैठा है, तो रालस्टन यहाँ बैठा है, मतलब किरण हमारा जो है यहाँ आएगा, यहाँ आएगी। क्यों यहाँ आएगी, देखो एग्जैक्टली बिटवीन बोला था विपुल किरण, एक पर्सन छोड़ के रालस्टन, एक पर्सन छोड़ के रालस्टन, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली बिटवीन हुआ, विपुल से एक पर्सन छोड़ के रालस्टन बैठा है, किरण से एक पर्सन छोड़ के रालस्टन बैठा है, तो रालस्टन हमारा जो है विपुल और किरण के एग्जैक्टली बिटवीन आ गया, ठीक है। अब हमारा जो बचा हुआ पर्सन है, कौन बचा है, ज्योति बची है, तो ज्योति हमारी जो है यहाँ बचे हुए प्लेस पर आ जाएगी, वो है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सर्कुलर अरेंजमेंट पूरा होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली बिटवीन के लिए दो केसेस आपके बन रहे थे, हर जगह आपको देख के चलना था कि कहाँ पर बिठाना है। चलिए इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन अंजलि एंड रालस्टन, तो पहले मैं यहाँ पर जो है आपका अरेंजमेंट बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन थे, यहाँ पर ज्योति है, यहाँ पर अंजलि, यहाँ पर दिशा, यहाँ पर किरण, यहाँ पर रमकी, रालस्टन, आभा, विपुल, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट था। अब हमसे पूछा है ज्योति एंड हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन अंजलि एंड रालस्टन, तो अंजलि कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, रालस्टन यहाँ बैठा है। अब इनके एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा है, तो एक छोड़ के विपुल, एक छोड़ के आभा, तो एक तो विपुल बैठा है, दूसरी साइड अगर चेक करें तो दिशा छोड़ के किरण एंड रमकी छोड़ के किरण, तो एक छोड़ के किरण आया, तो मतलब किरण हुआ, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, विपुल एंड किरण। तो विपुल एंड किरण हमको दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है हु सिट्स अपोजिट टू रमकी, रमकी के अपोजिट में कौन बैठा है, तो रमकी ये बैठी है, इसके जस्ट अपोजिट कौन बैठा है, ज्योति बैठी है, तो ज्योति हमारा आंसर हो जाएगा जो कि है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे जो आपके दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हुए थे कि अगर नेबर नहीं है लेकिन बिटवीन बैठा है तो एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या होता है, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, एंड टू प्लेसेस अवे वाला जो कन्फ्यूजन है वो भी आई गेस आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कैसा लगा वीडियो, और कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएँ मुझे। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको ज़रूर पता चले। Thank you so much. Bye-bye. Ta-ta.